नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एडियो में। कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए एक महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। जिन छात्रों का एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का होने वाला है, तो आज हम उनके लिए आए एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, ये आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आपका, 7 से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना उचित होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हम आपको बताते हैं, और कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक्टिविटी शेड्यूल, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक्टिविटी शेड्यूल, जैसा कि कुछ ही दिनों पहले NCVT ने नया शेड्यूल जारी किया था, जिसमें आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट बदल गया था, ठीक है। आज जो एडमिट कार्ड जुलाई में डाउनलोड होने वाला था, वो अगस्त से होगा। आप देखिए, एग्जामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फीस की लास्ट डेट जो थी वो कल थी, यानी कि आपकी 6 अगस्त, 6 अगस्त को आपकी लास्ट डेट थी। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम अभी तक नहीं जमा किया, तो वो जमा कर दे एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फीस जमा नहीं किया होगा, तो आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए आगे है, हॉल टिकट डाउनलोड कब से होगा, तो आज यानी कि 7 तारीख आज से आपका हॉल टिकट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज से क्या होगा, आपका हॉल टिकट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बताते अभी आगे हम आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड होगा। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब से आपका स्टार्ट है, तो 12 तारीख से आपका फॉर्म हो जाएगा, क्या परीक्षा होना आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के, ठीक है। पहले जो होगा वो फर्स्ट ईयर वालों का होगा, 12-17 के बीच में दोनों लोग का होगा, फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी, लेकिन पहले आपका फर्स्ट ईयर का होगा। पहले फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल होने के बाद सेकेंड ईयर वालों का होगा, ठीक है। 7 तारीख से 17 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आता रहेगा, मतलब कि उसके बीच में जिनका पेपर रहेगा उनका एडमिट कार्ड आता रहेगा, मिलता रहेगा, ठीक है। 12 से 17 के बीच में पेपर है, 7-17 के बीच में आप लोग को डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड। अब देखिए, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर आप लोग प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं भी करेंगे, तो आपको कॉलेज से प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को बताते हैं आगे। देखिए, प्रैक्टिकल का आपका 12 से 17 तक एग्ज़ाम होगा, अब आपका एडमिट कार्ड दिखा देते हैं हम आपको कैसा होता है। तो देखिए, इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से होता है, देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक दिन का होगा, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मिनिमम 2 दिनों के लिए होता है, ठीक है। कम से कम 2 दिनों के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, 2 दिन का। देखिए, इसमें हमारा था 3 और 4 को, जब हम ITI किए थे, ठीक है। हम ITI किए थे, हमारा 3 और 4 दो दिन प्रैक्टिकल था। अब देखिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम खोल लेना है। उसमें आपको जाना है NCVT MIS में। किस में आपको जाना है? NCVT MIS में। NCVT MIS सर्च करेंगे आप, ठीक है। NCVT MIS सर्च करेंगे, फिर इसमें आप लोग को जाएंगे ट्रेनिंग में आपका ट्रेनिंग प्रोफाइल एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करके वहाँ से अपना डाउनलोड डिटेल भर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल में आपको क्या भरना पड़ेगा, आपका अपना नाम, रोल नंबर, आपको अपना रोल नंबर, अपने पिताजी का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा, इतनी चीज़ें भरेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल में नीचे खोलेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए नीचे आया रहेगा, ठीक है। अभी इस पर हम एक डिटेल वीडियो आपको ले आके लेकर आएंगे, कैसे डाउनलोड करते ये भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका मार्क एंट्री जो होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, जो आपका नंबर रहेगा वो 12 से 21 अगस्त तक में चढ़ जाएगा, ठीक है। 12 से 21 अगस्त हमने आपको बता दिया कैसे एग्ज़ाम होता है, इस तरीके का आपका एडमिट कार्ड भी होता है हमने दिखा दिया, और यहाँ पर आपके कक्षा अध्यापक का सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो चलिए, इसके बारे में और डिटेल हम आपके लिए लेकर आएंगे कैसे डाउनलोड होगा। तो अगले, धन्यवाद, नमस्कार।